गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह की शुरुआत हमारी होती है बच्चों के लंच के साथ और मेरी सुबह सुबह की चाय के साथ। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है और यहाँ इनका फेवरेट लंच, जैसे कि उन्होंने बोला था, ये कह रहा था ये कुत्ता कि मतलब मुझे चाहिए क्या क्या मैगी चाहिए मुझे अभी। तो फिर बस इसके कहने पर मैंने मैगी बनाई है लंच में, और उस जो भी ये खाएगा वो तो रहता ही रहता है, लेकिन सुबह की शुरुआत हमारी कुछ इस तरह होती है। और काउंटर वगैरह सब मेरा क्लीन हो गया है यहाँ से, फिर हम करते हैं सुबह सुबह चाय की तैयारी। और चाय हमारी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। तो किस किस की यहाँ पर सुबह चाय के साथ होती है। और चाय मैंने पहले दूध गर्म करती थी, नहीं अभी ले रहे हैं तो अच्छा है। वैसे भी अदरक रहती है इसमें, इलायची रहती है। और आपको एक चीज दिखाऊंगी, हमारी चाय पत्ती में भी इलायची है, जो इलायची वाली चाय पत्ती आती है ना, मैंने वही ला रखी है ताकि बच्चों को नुकसान ना करे। तो चलिए इनका लंच हो गया है, अबाउट रेडी। देख लो ठीक है, उठा दो मसाला मैगी। और मैंने एक तड़का लगाया इसमें, कैसी बढ़िया क्योंकि ना तड़के वाली बड़े लग रही है। अच्छा खाते नहीं है, बेकूफ लंच में ले जाते हैं ना गदा। शिवा उठ गया, चल चाय का टाइम। और ये अभी हमारा खाली है क्योंकि अभी ना सब उठेंगे, जब चाय पियेंगे ना तब भरेगा ये। और ये हो गया रेडी, बस अभी से सूज पहनने और सुनील जी मिल गया ऐसे सॉक्स। जल्दी जल्दी थप्पड़ लगेगा नहीं तो खींच के। ये दोनों हो गए तैयार। हाँ टेंशन ना दे, तुम बुला लियो जितने बदमाश, हम भी देख लेंगे जो भी चौड़ा भुरा। कितना पागल लग रहा पंडित जी का छोरा। हटा, चलो चाय का टाइम हो गया हमारा। मैंने आपको बताया था सुबह सुबह जब हम बैठते हैं तभी यहाँ पर होती है। और हम चल दिए छत पर, क्यों बच्चे आ गए थे स्कूल से। जैसे सुबह का रूटीन आपने देखा था, इस तरह की हंसी मस्ती के साथ दिन की शुरुआत हुई। और जब दिन इतनी अच्छी हो तो बच्चों की चॉइस का क्यों ना कुछ करें। तो बच्चों को पसंद है चूल्हे की रोटियां, मैंने हाफ सामान नीचे तैयार कर लिया था। और अब आए हैं हम छत पर, चूल्हा बनाएंगे और फिर बनाएंगे रोटियां, मींस पराठे बनाने का मन है इनका, मूली के पराठे खाएंगे। तो चलिए करेंगे तैयारी और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आज का सेटअप कैसा है? ये हमारा सेटअप, यहाँ हम बैठे हैं, ये री टेबल। आज का ये बहुत अच्छा हुआ, चूल्हा हमने हवा रोकने के लिए ये करा है। और आज का सेटअप ये है कि ये रसोवा इधर रखा हुआ है। कोई ये बोल दे कि मतलब देसी किचन कैसी होती है तो ऐसी होती है। और देखो पराठे जो मूली के बन रहे सारी रेडी करके लाए हैं, थालियां लग चुकी है। और ये वाला सेटअप कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। रिफाइंड के बनाएंगे पराठे और बटर के साथ। शिवा क्या क्या खाने? चटनी, लोनी, व्हाइट वाला लोनी है, ये आटा और चाय बनने के लिए साथ में पूरी चाय गरम थर्मस। चलो ठीक है, कितना अच्छा लगता ना ऐसा। पहली जाएगी पापा को देगा, मैं गुटकी को दे दूंगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों खाओ, मेरे को उसी में तसल्ली रहे। बटर लोनी ले लिया, तू खा लो। यम, बढ़िया से यहाँ मैं करूंगी चूल्हे पे इनके खाने की तैयारी। इसे नीचे रख लो या तो वापस क्यों
खा लो तुम। ओहो रहने और बाकी नीचे सीख जाएंगे है ना, अब तो इतनी कोई जरूरी नहीं। बढ़िया मजे आए और सबसे बड़ी बात बच्चों को पसंद आए ना, उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी ना। खाना हमेशा चूल्हे पे, इसका बहुत सपोर्ट रहा हमारे चूल्हे में। देखो आज कितनी तेज तेज लग रही है हमारा रिफाइंड करारे करारे। पहले भी कुत्ते की वीडियो थी अब क्या बोलो, क्या कर रहा बेवकूफ है ना तुझे डर टाइफस तो है बिल्ली। शिवम शिवम पकड़ी से ये पता है भौंकता क्यों है, ये खुद डर जाता है ना, ये राइफल खुद डर जाता है तो भौंकता है। कौन राइफल? हाँ अभी जैसे आपने कैमरा उठाया वो डर गया, वो भौंक लगा फिर कुंभे फिर देखो खुद भौंक के चला गया। पर काट नहीं खो रहा इस बेवकूफ की वजह से, ये सच में नहीं कुत्ते इनसे भी बुरा है। दे बोरा आली 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 राइफल राइफल ऑन द ऑन द बुद्धि राइफल और ये जो आप देख रहे होंगे राइफल, ये है पैट डॉग। और जितने भी भैया वगैरह आप देख रहे हो ना, ये अचानक ही जब हम खाना बना रहे थे सब आ गए थे तो सब ने शेयर करके खाया। बहुत मजे आते हैं जब चूल्हे पे रोटियां बनती है और सब खाते हैं। तो आज मम्मी ने रिचार्ज कर दिया दो दो बार, बताओ क्या क्या होगी कहीं ना, क्यों करा दो बार रिचार्ज? उससे पहले तो इससे तो पूछ विष्णु से। विष्णु तो क्यों डर रहा है उस राइफल से? क्यों पिटबुल से? हाँ। देखो ये विष्णु जाल के अंदर बढ़ गया उससे बचने के लिए पूरा जंगली जानवर घूम रहा हूँ। ये देखो ये जूम में आ रहा है रुको। और राइफल आएगा? हाँ आली राइफल ले लो लो राइफल ले जाओ ले राइफल। ये देखो दिख गया ये आ रहा हमारा राइफल। इसे देखो ये बिल्ली है, ये हमारी राइफल बिल्ली है। ये देखो ये हमारी राइफल बिल्ली। बच्चे कर रहे थे इसके साथ मस्ती और ये भी पूरा एंजॉयमेंट ले रहा था क्योंकि ये बच्चों के साथ काफी खुश रहता है। तो देखिए जानवर बच्चों की तरह होते हैं। और ये थी हमारी चटनी बटर रोटी पराठे की तैयारी। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग मुझे जरूर बताएगा। और किस किस को चूल्हे की रोटियां पसंद है, हमारे यहाँ पर तो सबको पसंद है, इसलिए मैंने लास्ट ऑफ व्यू ये जरूर डाला था जो मैंने वीडियो बनाई थी। और आप सब पराठे पसंद करते हैं, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी या इस तरह की कचौड़ियाँ, पूरी, पकौड़ी, कि जिसको क्या क्या पसंद है मुझे जरूर बताएगा ताकि मैं चूल्हे पर अगली बार जो वीडियो बनाऊँ ना वो उसी की बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। इसी तरह से इंजॉय करते रहिए मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू। बाय बाय एवरीवन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिल गए थे आसानी साथ रहिए।